ओके गाइस, तो आज हम यहाँ पे सस्काचुएन की बात करेंगे, जो कि कनाडा का एक प्रोविंस है। और मैं आपको बताऊंगी कि आपको यहाँ पे अपना स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि गाइस हर प्रोविंस की अपनी अपनी अलग से क्राइटेरिया होती है, जिसमें आपको देखना होता है कि वी आर एलिजिबल और नॉट। तो आज गाइस हम देखेंगे कि सस्काचुएन में आप लोग एलिजिबल हो या नहीं हो। लेकिन गाइस मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये प्रोविंस एक ऐसा प्रोविंस है जो बहुत ही इजीली यहाँ से आप पीआर ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करता है। ओके, तो सबसे पहले हम इनकी वेबसाइट पे जाएंगे अंदर। तो मैं अगर बात करूँ तो मैं सिंपल सा सस्काचुएन लिखती हूँ। तो यहाँ पे गाइस आपको सिंपल सा सस्काचुएन पॉइंट कैलकुलेटर पे अगर आप इस तरह से लिखते हो तो आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखेंगे हम असेस योर एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे हम जाके देखते हैं कि हमारे कितना स्कोर इस प्रोविंस में बन रहा है। ओके, तो ये आपको सीधा आपका इस प्रोविंस का आपका पेज खोल देगा। तो गाइस यहाँ पे आपको नीचे आना है और इन्होंने दिया होगा अपना पॉइंट ग्रिड सिस्टम। तो यहाँ से बात करते हैं, इनका ए पॉइंट है एजुकेशन का। ओके, तो यहाँ से गाइस आपको पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। अब सपोज करो किसी ने अपना ईसीए कनाडा से करवा लिया है और उसको वहां से आउटकम मास्टर्स मिला है। ओके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी इंडियन मास्टर्स है तो आप उसको कैलकुलेट करो। नहीं, कनाडा से जो हम ईसीए करवाते हैं, कनाडा की एजेंसीज हैं वो देखती हैं कि हमारी कनाडा में एजुकेशन की क्या वैल्यू है, तो उस हिसाब से हमें देते हैं कि आपकी मास्टर्स होगी या आपकी बैचलर्स होगी। कई लोग हैं जिनकी इंडिया में मास्टर्स होती है लेकिन जब वो ईसीए करवाते हैं तो उनका आउटकम बैचलर्स निकलता है, तो उनको बैचलर्स ही कैलकुलेट करना पड़ता है स्कोर के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो अगर सपोज करो कि हमारा ईसीए का आउटकम यहाँ मास्टर्स आया है तो गाइस आपको 23 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, और अगर आपका बैचलर्स डिग्री और 3 और मोर ईयर प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी और कॉलेज, उनका आउटकम वहाँ से आया है तो आपको 20। इसी तरह से गाइस इन्होंने यहाँ पे कैटेगरीज डिवाइड कर रखी है और आपको ये देखना है कि आपको कितने पॉइंट्स यहाँ से मिलेंगे। तो हम यहाँ पे 23 लेके चलते हैं गाइस, कि हमारा ईसीए, हमारा आउटकम मास्टर्स है और हमारे पास 23 पॉइंट्स है। ओके, तो हम यहाँ पे 23 पॉइंट लेके चलेंगे। उसके बाद है गाइस स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स अब हम जोड़ेंगे। इसमें क्या है गाइस कि वर्क एक्सपीरियंस क्लेम्ड मस्ट बी रेलेवेंट टू दिस सिंगल ऑक्यूपेशन यू हैव सिलेक्टेड इन योर एप्लीकेशन। तो गाइज यहाँ पे होगा क्या कि जो यहाँ पे गाइज एक प्रॉब्लम है इस प्रोविंस में कि जो आपका एजुकेशन है, सपोज आपका एमबीए है, तो गाइज आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपकी एमबीए की फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने एजुकेशन कुछ किया होता है लेकिन वो जॉब किसी दूसरी फील्ड में कर रहे होते हैं। लेकिन ये प्रोविंस ऐसा है जो डिमांड करता है कि आपकी एजुकेशन और आपका जॉब एक्सपीरियंस सेम फील्ड में होना चाहिए। ओके, तो 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस रेफर टू 12 मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो ये 12 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस आपका 1 ईयर का होगा। ओके, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पे मतलब कि इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर रखा है कि 5 ईयर का अगर आपका जो है लेटेस्ट वर्क एक्सपीरियंस है उसको इतने पॉइंट मिलेंगे, और जो आगे के अगर और है आपके 6 ईयर 7 ईयर, तो उसके लिए मैं बताती हूँ अभी। पहले सपोज करो कि किसी का 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसको 2 पॉइंट मिलेंगे, 2 ईयर का है तो फिर उसको 4 पॉइंट मिलेंगे। ऐसे ही गाइज इसमें दिया है कि सपोज करो कि 5 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपका टोटल है आपकी एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में, जॉब एक्सपीरियंस अगर आपका 5 ईयर है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, लेकिन सपोज करो किसी का 7 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है तो वो 10 पॉइंट तो हम ये वाले कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस इसमें हम जोड़ेंगे। सपोज करो 7 ईयर का है तो ये हो गया आपके 6 ईयर, तो 6 ईयर पे मिलेंगे आपको 0। उसके बाद हो गया 7 ईयर, 7 ईयर पे आपको मिलेंगे गाइस 2 पॉइंट्स। ओके, तो अभी हम ऊपर 5 ईयर वाले एक्सपीरियंस जो था हमारा ये 10 था, प्लस अगर किसी का 7 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ये 2 और जोड़ दो उसमें, ठीक है, तो ये 12 हो गया टोटल। इस तरह से आपका वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो 23 आपके मास्टर्स के, 12 आपके यहाँ पे आपके हो गए एक्सपीरियंस के। तो अभी लैंग्वेज एबिलिटी, तो यहाँ पे गाइज ये सबसे अच्छी चीज़ है इनकी इस प्रोविंस की कि ये CLB 4 इनका मिनिमम क्राइटेरिया है आईलेट्स के लिए। ओके, अगर आपका आईलेट्स में CLB 4 है तो आप एलिजिबल हो इस प्रोविंस के लिए। अदरवाइज अगर एक्सप्रेस एंट्री की बात करें तो एक्सप्रेस एंट्री में CLB 6 माना जाता है,
एलिजिबिलिटी के लिए, लेकिन यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट CLB 4 है। तो गाइज ये चीज उनके लिए है जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो CLB 4 इनका यहाँ पे चल जाएगा गाइज। तो आपको यहाँ पे 12 पॉइंट्स उसके मिलेंगे। ऐसे ही इन्होंने डिवाइड करके रखा है कि कैटेगरीज को, कि जितना अच्छा आपका CLB होगा गाइज उतने अच्छे और ज़्यादा आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। इसीलिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि CLB 8 लो गाइज, क्योंकि 69 का कट ऑफ स्कोरिंग ये लोग निकाल रहे हैं सस्काचुआन आजकल, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। और ये लोग ले रहे हैं जिनका 10 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है विद CLB 8 और मास्टर्स। तो गाइज अगर कॉम्पिटिशन में खड़े होना है तो ट्राई करो CLB 8 लो, CLB 8 एंड हायर। अगर किसी का बैंड्स हैं तो उसको सेम पॉइंट्स मिलेंगे 20। तो यहाँ पे हम 20 कैलकुलेट करके चलेंगे अपने केस में, कि सपोज करो हमारा CLB 8 है तो हमने 20 पॉइंट्स यहाँ ले लिए हैं। ओके नेक्स्ट है गाइज इनका कि एज। तो एज की इन्होंने यहाँ पे थोड़ा ग्रुप्स बना के रखे हैं कि अगर आप लेस देन 18 ईयर हो तो आपके 0 पॉइंट्स, लेकिन 18 to 21 के ग्रुप में अगर आप आते हो तो आपके 8। इसी तरह से गाइज ये वाला ग्रुप काफ़ी ज़्यादा है, इस एज में लोग काफ़ी जाते हैं, तो 22 से 34 ईयर का अगर आपका ग्रुप है तो आपका 12 पॉइंट। इसके बाद जो है आपके पॉइंट यहाँ पे लेस होने लगते हैं, रिडक्शन आपके पॉइंट की होने लगती है, जैसे कि 35 से फिर 45 की इन्होंने ग्रुप पेज जो बना दिया उसमें 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे 2 नंबर इन्होंने घटा दिए। मैंने जो अभी स्कोर यहाँ पे कैलकुलेट किया ऊपर कि मास्टर के 23 लिए और वर्क एक्सपीरियंस के 7 पॉइंट्स लिए और एज के यहाँ पे मैंने 12 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, और भी था ना कुछ, और आइलेट्स के तो मैंने बता दिए। ओके हाँ, तो गाइज इससे हमारा पॉइंट जो है 67 हो जाता है यहाँ पे। तो 70 मतलब कि अगर आपको एलिजिबल होना है इस सस्काचुआन प्रोविंस के लिए तो आपका 60 मिनिमम स्कोर होना चाहिए, लेकिन 69 का आजकल कट ऑफ निकल रहा है, तो आपका 67 पॉइंट यहाँ बहुत अच्छा होएगा। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए मास्टर्स प्लस आपका 7 ईयर का एक्सपीरियंस जो मैंने काउंट किया, प्लस आपका CLB 8, ठीक है गाइज, और आपकी एज होनी चाहिए 34 तक की एज आपकी, इसके बीच में होना चाहिए आपका एज ग्रुप होना चाहिए 34। तो उस हिसाब से हमारा 67 यहाँ स्कोर बन गया। ओके तो ये एक अच्छा स्कोर है, लेकिन ये एलिजिबिलिटी के लिए आपको 100 में से 60 पॉइंट चाहिए इस प्रोविंस के लिए, ठीक है। तो हमारे बने 67, लेकिन इन्होंने और अभी पॉइंट्स दे रखे हैं, ये हुए 70 पॉइंट का टोटल यहाँ पे। लेकिन ये जो नीचे इन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं गाइज, ये उनके लिए हैं जिनका जॉब ऑफर है गाइज सस्कैचुआन से, तो उनको 30 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। और जिनकी कोई रिलेटिव सस्कैचुआन में है तो इन्होंने रिलेटिव यहाँ पे दे भी रखे हैं कि किस तरह के होने चाहिए, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट, आंट, अंकल, तो आपने ये पढ़ लेना है। रिलेटिव के लिए यहाँ पे 20 पॉइंट्स, और उसके बाद गाइज यहाँ पे दे रखा है पास्ट वर्क एक्सपीरियंस इन सस्कैचुआन तो 5 पॉइंट्स, और स्टूडेंट का वर्क एक्सपीरियंस तो 5। तो यहाँ से आप 30 पॉइंट्स यहाँ से भी ले सकते हो। तो गाइज 100 में से टोटल हमें चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे 60, लेकिन हमारे बन रहे हैं यहाँ पे 67। तो हम बहुत क्लोज हैं क्योंकि 69 का इनका 68-69 कट का कट ऑफ निकल रहा है, तो ये पॉइंट वाले को जल्दी ही इनविटेशन मिल जाएगा। ओके गाइज, तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।